क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, मेरा नाम पवन कुमार है और बहुत खुशी हो रही कि आज मेरी मतलब ये तीसरी फिल्म मतलब स्टार्ट हो रही है और इसके पहले जो है दो फिल्में किया था मैं, जिसमें मतलब नॉर्मल तरीके से चली, लेकिन इस फिल्म से मुझे बहुत बड़ी उम्मीद है इस कहानी से। और हमारे मतलब बड़े भाई दिलीप जौहन जो डायरेक्टर हैं हमारे, उनसे बहुत बड़ी उम्मीद है कि वो कुछ अलग करके दिखाएंगे। बताना चाहेंगे दो फिल्में जो इसके पहले है उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, कुछ खास नहीं था डायरेक्टर। चलिए बात करें आज की फिल्म का, जो मैं जो हाँ डायरेक्टिंग डॉन हूँ, ये किस तरह से फिल्म बनने वाली है और इसमें आप किस तरह से नजर आने वाले हैं? जैसे डॉन टाइप तो अभी भी आप दिख रहे हैं। नहीं, मैं डॉन नहीं हूँ, डॉन कोई और है। मैं इसमें जो है एक इंस्पेक्टर का किरदार निभा रहा हूँ, जिसमें मतलब हम दो इंस्पेक्टर होते हैं जो कि मतलब क्राइम को ख़त्म करने के लिए खुद क्रिमिनल बन के क्रिमिनलों को ख़त्म कर देते हैं। तो इसमें आपके साथ और कौन कौन चेहरे दिखाई देने वाले हैं स्क्रीन पर? स्क्रीन पे हमारे साथ हैं अपना जो हीरो हैं प्रमोद प्रेमी, और उसके बाद तनुश्री, संजय पांडे, अय्याज खान और श्रेया मिश्रा और काजल जी और रत्नेश भाई, हमारे रत्नेश भाई कॉमेडियन जो हैं। तो किस तरह से मूवी बनने वाली है कुछ बताना चाहिए? इसमें यूएसपी क्या है कि जो दर्शकों को खींच के लेके आएगी सिनेमा? मतलब यही है कि जो आजकल मतलब क्राइम जो बढ़ रहा है कि लोग जो है देख रहे हैं, मतलब अपने जो यूपी बिहार का जो है सिस्टम है कि मतलब क्राइम कुछ भी मतलब कहीं भी कुछ भी कर देते हैं, तो उस पर कानून जो है देख रहा हूँ पुलिस व्यवस्था ये सब जो है थोड़ा सा लूज पड़ जा रही, तो इसमें वही समझाया दिखाया गया है कि मतलब पुलिस प्रशासन अगर चाह ले तो क्राइम को रोक सकती है। फिल्म की शूटिंग कहाँ कहाँ करने वाले हैं? फिल्म की शूटिंग होगी हमारी बस्ती ज़िले में। किसके साथ ज़्यादा केमिस्ट्री जमने वाली है? अभी मैं तो श्रेया मिश्रा के साथ कर रहा हूँ, ये डायरेक्टर साहब बताएंगे कैसे क्या करना है। ठीक है, दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि मेरी फिल्म ज़रूर देखें और अच्छा लगेगा, आप लोग का प्यार और आशीर्वाद मिले, हमें सफलता मिले। क्या कहना चाहेंगे आज फिल्म का मुहूर्त है? सबसे पहले आपको ढेर सारी बधाई और फिल्म का रंग क्या बताना चाहेंगे? सर, सबसे पहले मैं प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को सादर प्रणाम और अपने बड़े भाई समरजीत भाई को नमस्कार। मीडिया ही हमारे लिए सब कुछ है, हमें अर्श से फर्श पे पहुंचाने वाली मीडिया है। और फिर मेरा कर्म है, हम अपने कर्म को अच्छे से हम सिनेमा बनाएंगे, अच्छे से ग्राफिक करेंगे, अच्छा मनोरंजन देंगे, अच्छे डायरेक्शन होंगे, अच्छे फाइट होंगे, अच्छे गाने होंगे। ये नई तकनीकी से हम सिनेमा बना रहे हैं जिसमें एनिमेशन आपको देखने को मौका मिलेगा। किस तरह से मूवी होगी, कितना अलग होने वाला? सर, ये बहुत भोजपुरी से बहुत अलग है। गाने हमारे जो है वो गांव से थोड़ा सा विलन करेगा, और जो हमारे एक्शन है और हमारे फ्रेमिंग है, जो हमारी फोटोग्राफी है, हमारे जो क्रिएशन है सीन के, ये आपको हिंदी टच रहेगा और अवधि भाषा हिंदी और भोजपुरी, ये तीनों को देखते हुए सिनेमा बनाई जा रही है। दिलीप जी, बात करें जैसे फिल्म का नाम है मैं किंग सुपर डॉन, हाँ सर, इस तरह से टाइटल रखने का क्या खास? सर, इसलिए किंग डॉन बनाए जा रहे हैं, सारे लोग तो अब नाम तो नहीं लेंगे, एक ही हवा में सब बह रहे हैं। मैं एक अलग तरीके का दिलीप जान, मैं डायरेक्टर हूँ और मेरी सोच, मेरा क्रिएशन बहुत अलग है और मैं भोजपुरी को अलग ट्विस्ट देना चाहता हूँ। और ये मेरी जो स्टोरी है ये उत्तर प्रदेश माफिया शहर आजमगढ़ मऊ से बिलोंग करता है, जो ये आतंक से भरा हुआ है। कोई भी शहर हो उत्तर भारत का, तो उसको ये कहाँ से ये पैदा हो रहा क्राइम और कौन कौन इसमें विलीन है, कौन कौन इससे मिले जुले कौन कौन विभाग है, ये सारी चीज़ें हम उजागर करेंगे। और ये पुलिस प्रशासन क्राइम को ख़त्म कर सकता है, लेकिन नेता पनेता से भरा हुआ है, उनका अटैचमेंट होता है, इसके वजह से क्राइम ख़त्म नहीं हो पाता। लेकिन इंस्पेक्टर हमारे दोनों हीरो हैं प्रमोद प्रेमी, पवन यादव, ये नेता भी कुछ अच्छे हैं, जो इनके दिशा निर्देश अच्छे होते हैं लेकिन कुछ फॉलो नहीं कर पाते।
लेकिन देखते हुए जो है ये दोनों इंस्पेक्टर बन के जो है अपने शहर में जाते हैं, जो पहले एक पुलिस इंस्पेक्टर की हत्या हो चुकी है और ये वहाँ का दबंग विधायक धनपत राय किंग डॉन जो हमारे डॉक्टर शंकर दयाल गौतम ये भूमिका कर रहे हैं और धनपत राय का रोल संजय पांडे कर रहे हैं, उनका भाई अयाज खान है जो वीरभद्र का रोल कर रहे हैं, इनसे पूरा शहर त्रस्त है। सर कहानियों के ज़्यादा बताएंगे तभी से पिक्चर आपको मिलेगी। हम बात करेंगे जो दोनों हीरो हैं, प्रेम यादव यूथ स्टार है, एक कोचिंग सिंगर है, फिल्में भी उनकी आ रही हैं और साथ में जो है पवन जी, दो हीरो को लेके आ रहे हैं। हाँ। तो क्या कह रहे हैं दोनों हीरो को, किस तरह से प्रेजेंट करने वाले हैं? प्रमोद प्रेमी की बात करें तो क्या कहना चाहेंगे उनके बारे? प्रमोद प्रेमी एक अच्छे एक्टर हैं, आने वाले दिन के बहुत बड़े स्टार हैं और इसमें हम उनको जो है इंस्पेक्टर की भूमिका मिला रहे हैं और सादे वर्दी में रहते हैं, अच्छे एक्शन है, अच्छे उनकी ट्यूनिंग है दोनों को और दोनों दोस्त रहते हैं, अच्छा सिनेमा अपना है। पवन जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पवन जी एक अच्छे एक्टर हैं और पूरा फोकस है, हर तरह से अच्छा काम करेंगे और अच्छे डांस भी करेंगे, फाइट भी करेंगे, अच्छे एक्टर बनने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। वो शूटिंग कहाँ करने वाले सर? ये शूटिंग हमारी जो है बस्ती ज़िला, लखनऊ, गाजीपुर, मऊ। और कब तक दर्शक देख पाएंगे इस फिल्म? सर ये इस फिल्म को ये हम सितंबर में कंप्लीट कर लेंगे, ये अक्टूबर नवंबर तक जो है सर हम मार्केट में इसको जो है रिलीज करेंगे। नमस्कार, मैं अनुज तिवारी, आप सबको मेरे तरफ से प्यार भरा नमस्कार प्रणाम जी। जैसे कि फिल्म है, नाम एकदम पूरा एक्शन पैक्ड फिल्म दिख रही है जी, ऐसे में गीत संगीत का कितना स्पेस मिलने वाला है और किस तरह से आप गीत संगीत लेके आ रहे हैं? हाँ सर, इसमें मतलब टोटल 8 गाने हैं और 8-8 तरीके के ही सॉन्ग हैं। आज भी जो इस एवी साउंड में जो गाना डब हुआ जिसमें आलोक जी और खुशबू जैन जी की वॉइस आ चुकी है गाने में, मतलब ये भी गाना जो गाने का बोल है, मतलब सीन, मतलब दिलीप जी ने बताया कि दोनों हीरो हीरोइन भेस बदल के आते हैं, उस टाइप का एक हिंदी टाइप का ही सॉन्ग है जो मैं दो लाइन बताऊंगा बाद में। बाकी 2-3 सॉन्ग जो हैं प्योर फोक स्टाइल में और एक आइटम सॉन्ग है, टोटली मतलब मिला करके 8 सॉन्ग हैं जो आपको 8 तरीके के 8-8 अच्छे गाने मिलेंगे सर। जैसे आजकल भोजपुरी सिनेमा का एक सुनहरा दौर चल रहा है उसका गीत संगीत, लेकिन ऐसे में अवधी फिल्म की बात हो रही है कि अवधी भी टच रहेगा, हिंदी जी भी टच रहेगा, तो गाने प्योर भोजपुरी रहेंगे अवधी और हिंदी में भी गाने सुनने को मिलेंगे? नहीं सर, इसमें अवधी हिंदी भोजपुरी मतलब मिक्स है सर। जैसे अभी गाना मैंने किया कि अभी हीरोइन हीरो बोलता है कि फैशन है लंदन वाला, मतलब इसमें हिंदी भोजपुरी दोनों सुनने को मिला, चेहरा पे चश्मा काला, बरखा में भीग बुदा लग जाई, कितनों ठंडा पानी, तो लड़की बोलती है हमार डोंट टच बॉडी कुंवर बहन बानी, इसमें मतलब हिंदी भोजपुरी सब सुनने के लिए मिला कि नहीं, इस टाइप का है सर। आपके संगीत में कई फ्लेवर मिलने को, हाँ सर जी। तो क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से इस फिल्म को लेकर और फिल्म के जो स्टार कास्ट उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? जिस फिल्म में तो स्टार कास्ट हैं ये प्रमोद प्रेमी जी हैं, पवन भाई हैं, पवन यादव, और विलेन में संजय पांडे जी, अयाज खान जी वगैरह सभी लोग हैं और मुझे बहुत उम्मीद है सब तुम मतलब मंझे हुए एक्टर हैं सर और सब अपना अपना अच्छा काम करें तो फिल्म अच्छी बनेगी। बात की जाए वो एक नामचीन सिंगर भी हैं जी जी, उनकी फिल्में भी लगातार आ रही हैं, तो क्या उनकी भी आवाज़ में गाना सुनेंगे? हाँ हाँ मिलेगा सर, इसमें मतलब प्रमोद प्रेमी जी खुद 2 गाने गाएंगे और बाकी मोहन राठौर, आलोक जी हैं, इंदु सोनाली जी हैं, अलका झा और ये कल्पना जी हैं, खुशबू जैन जी हैं जी। अनुज जी बात कीजिए, आपके एज ए म्यूजिक डायरेक्टर कौन कौन फिल्में आने वाली हैं और कौन कौन आ चुकी हैं रिसेंटली? हाँ अभी रिसेंट 2 फिल्में तो इससे पहले आई थी, खाकी वर्दी वाला विराज भट्ट जी की जो सेम प्रोडक्ट बैनर पे थी, जो इस फिल्म के सर प्रोड्यूसर हैं वही उन्होंने भी बनाई थी, और इसके बाद आई थी ये बेटवा बाहुबली पार्ट 2, उसके बाद अभी आ रही है लव के लिए कुछ भी करेगा, चैम्पियन आ रही है रवि किशन जी की, और बबलू की दुल्हनिया है, दिले इश्क जहर है, ये सब फिल्में भी आ रही है लाइन से 2-3 फिल्में। ओके सर थैंक यू। काजल जी, आज फिल्म का मुहूर्त है और आप भी पूजा में शामिल हुई और भी ये फिल्म का इंटरव्यू चला, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, हाँ, और मैं इस फिल्म में एक निगेटिव रोल कर रही हूँ, जो रोल बहुत ही अच्छा है, एक्शन फाइट सब कुछ है और इन लोग साथ काम करने का एक अवसर मिला, मौका मिला मुझे।
और बहुत अच्छा लगा मुझे। इस फिल्म में जो है भोजपुरी सिनेमा कई विलेन दिख रहे हैं पोस्टर में, जी जी, तो किन के साथ आप जो है मिल करके हीरो को संजय पांडे, हीरा यादव, शंकर दयाल गौतम जी के साथ मेरी फाइटिंग है। और जी पूरी फिल्म की टीम के बारे में क्या बता कहना चाहेंगे? हमारी जो पूरी टीम है बहुत अच्छी टीम है और इन लोगों के साथ जैसे बात करके काम करके मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि अभी संजय पांडे जी के साथ मैं पहली बार काम करने जा रही हूँ। जैसे भी आपने कहा कि आप फाइट भी करने वाली हैं, मारधाड़ करने, तो उसके लिए भी आप कुछ तैयारियां अलग से कर रही हैं? हाँ, कुछ तैयारियां चल रही हैं। और आप अपने बारे में कुछ दर्शकों से बताना चाहेंगे? इसके पहले अभी हमने एक मूवी किया है लागला बतासा चाचटू, जिसमें मैंने सेकंड लीड किया है, अभी वो नवंबर में रिलीज होने वाली है। इसके पहले भी मैं 2-4 फिल्में कर चुकी हूँ, जैसे क्या बोलते हैं, 2-3 फिल्में हैं जो मैं कर चुकी हूँ, अभी सब एडिटिंग चल रही है। फिल्म के डायरेक्टर की बात की जाए तो क्या कहना चाहेंगे? इन लोगों से मैं पहले मिल चुकी हूँ, जैसे मेरी पहचान है, बहुत अच्छे हैं। और धन्यवाद। बात करें, आज एक नई फिल्म की शुरुआत हुई है, मैं सुपर डॉन क्या कहना चाहेंगे? किंग डॉन है, क्योंकि सुपर किंग डॉन है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मेरा दर्शकों लोग से मेरा प्रणाम है, मैं रत्नेश बनवाल, और सबसे पहले फिल्म के डायरेक्टर दिलीप जॉन जी, जिसके साथ मैं आज से 8 साल पहले एक फिल्म में काम किए थे, और 8 साल बाद आज फिल्म से वापसी हो रही है। और दूसरी खुशी, पहली बार एक पीआरओ समरजीत जी भैया के साथ मैं इस फिल्म में काम कर रहा हूँ, मैं चाहूँगी झलक उनको दिखाऊँ सबके सामने। आइए भैया, आइए 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 सर, आइए आइए ना, क्या हो जाएगा, आइए 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 आइए, शर्मा रहे थोड़ा ना। समरजीत भैया के साथ मैं पहली फिल्म कर रहा हूँ, बहुत अच्छे पीआरओ हैं, उन्होंने अच्छी अच्छी फिल्में दी हैं। रहा सवाल फिल्म के बारे में, तो फिल्म का नाम बहुत लंबा तो है, किंग सुपर किंग डॉन, और डॉन कौन है, पुलिस वाला डॉन है कि गुंडा डॉन है, ये तो देखने पर ही पता चलेगा। तो आप इसमें किस प्रकार के डॉन बने हुए? भैया मैं अपने बारे में क्या बताऊँ, वही जो रियल लाइफ में चलता रहता है। मतलब इसमें भी आज पहली बार शराबी मतलब बदमाश है, लड़की खोर है, हजार को तहाँ लड़की पटाने की कोशिश करता रहता है, मंदिरों में, रोडों में, गांव में, सड़कों में, यही मेरा सपनों में हकीकत में। भैया सपना तो कई आती जाती रहती है, लेकिन पहली बार हकीकत होने जाएगा। रत्नेश जी, जो ग्रुप अलग, आप विलेन ग्रुप में दिख रहे हैं, तो विलेन ग्रुप ऐसी बात नहीं है, मैं भूल ही गया, ये अपना पवन कुमार यादव जी जो पहली बार फिल्म में हीरो एंट्री कर रहे हैं, और मैं भी इनके साथ काम करने जा रहा हूँ, अच्छी बात है, नया हीरो आए मार्केट में, सबके साथ जोड़ी बने इनका, विलेन से, कॉमेडियन से, हीरो हीरोइन से, तो बहुत अच्छी बात है ये। और हर सवाल विलेन लोग की, तो सब मेरे आदर्श हैं, भैया हैं मेरे, सबके साथ मैं काम किया हूँ, जहाँ तक फिल्म जितने भी आर्टिस्ट हैं, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सबके साथ मैं काम किया हूँ, और मेरा सौभाग्य फिर इस बार इन लोगों के साथ मेरा काम करने का मौका मिला है। पत्नी जी, बात करें इसमें प्रमोद प्रेमी यादव जी, पवन कुमार यादव जी, दो हीरो हैं, उनके साथ आप भी स्क्रीन शेयर करने जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी की बात है, प्रमोद कुमार यादव के साथ मैं पहली बार फिल्म करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं इनके साथ एक बार इनकी फिल्म हो रही थी मेरे, हाँ मेरे शहर में, नरकटियागंज में, कोई नाम तो मिस याद है, तो मैं सोचा कि यार मेरे यहाँ शहर में शूटिंग चल रही है, मैं ही इस फिल्म में नहीं हूँ, और आज मौका मिला कि मैं इस हीरो के साथ काम करने जा रहा हूँ, बहुत खुशी हो रही मुझे। पवन जी की बात कीजिए, इनके पापा जी जाने माने फिल्म मेकर हैं, उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? सही में इनके पापा जी बहुत रंगीन मिजाज के रंगीला आदमी हैं, मेरे पहली बार बात किया दिल खुश गया मेरा, और रहन होना चाहिए, रंगीला आदमी रहेगा तो आदमी दिल का साफ होना चाहिए, ताकि जीवन में तो कुछ है नहीं, आज है कल कब क्या हो जाए कोई जानता नहीं, हम यही कहेंगे कि बस रंगीन रहे, अच्छा रहे, और हर जगह सबको अच्छा रखे। पवन जी, आप बताना चाहें अपने पापा जी के बारे में, उनका फिल्मों के आप हीरो हैं? जी, हमारे पापा जी, मतलब मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि सबको ऐसे ही पापा मिले, क्योंकि पूरा सपोर्ट रहता है उनका, अब मतलब वो चाहते हैं कि जैसे सब लोग हैं, मतलब सारे स्टार हैं, वैसे मैं भी बनूं, और पूरा एकदम दिल से सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में, मतलब एक डॉक्टर भी हैं जो कि खाने पीने से लेकर हर चीज़ जो है एकदम डाइट से लेकर हर चीज़ें मेंटेन करते हैं, एक आर्टिस्ट की लाइफ क्या होती है वो समझाते हैं, और ख़ुद भी एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, प्रोड्यूसर तो है ही, बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी हैं, उनका नाम और
उनके बारे में कौन कौन फिल्मों वाली को बताना चाहेंगे? जी, इनका नाम है शंकर दयाल गौतम और उनकी फिल्म आई थी, पहली फिल्म किए थे एज ए एक्टर, प्यारी बहनियाँ बनेगी दुल्हनियाँ, उसी से इनकी स्टार्टिंग है। उसके बाद में फिर अभी खाकी वर्दी वाला जेस्ट विराज भट्ट की, वो हमारे ही बैनर से आई थी अविनाश फिल्म प्रोडक्शन से, उसमें भी पापा एक्टर थे। तो अभी ये जो मूवी आ रही इसमें भी एज ए मेन विलन कर रहे हैं, सुपर डॉन वही हैं। उनको मीडिया के सामने कब मिलाने वाले हैं? टाइम नहीं था, पापा बाहर हैं, नहीं तो बस अगले नेक्स्ट टाइम जो है फिल्म एंड करके आएंगे तो मीडिया के सामने को रूबरू करेंगे। आज एक नई फिल्म का मुहूर्त हुआ है, मैं सुपर किंग डॉन हूँ, फिल्म काफी एकदम एक्शन भरी हुई और आपका भी रूप जब पोस्टर में बड़ा खूंखार दिख रहा है, क्या कहना चाहेंगे? इनके साथ चूंकि मेरा दिलीप जी के साथ एक फिल्म ऑलरेडी कर चुका हूँ और उम्मीद है कि इस बार भी एक बहुत अच्छी फिल्म बनाएंगे। एज यूजुअल नेगेटिव रोल ही है, विलन ही हूँ मैं इसमें, और बहुत अच्छी कास्ट इन्होंने रखी है फिल्म में, हीरो हीरोइन नए हैं, बाकी पूरा जो सेटअप है सब स्थापित लोग हैं भोजपुरी के, सारे जो एस्टेब्लिश्ड एक्टर हैं, तो नो डाउट एक अच्छा सेटअप है और उम्मीद है कि बहुत प्यारी फिल्म निकल कर आएगी ये, और नाम भी बहुत अनोखा रखा है इन्होंने, तो होपफुली देखिए हम शूट करने जा रहे हैं और लोकेशन भी यूपी की है, सारी ओरिजिनल लोकेशंस में शूट करेंगे बस्ती के आसपास, तो वो भी एक बहुत बड़ा प्लस होता है फिल्म में, तो एक अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश है दिलीप जी की तरफ से, हम सब की तरफ से। इसमें दो हीरो हैं, प्रमोद प्रेमी यादव जी, पवन कुमार यादव जी और आप विलेन हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? तो मतलब दो दो पी मिले हुए हैं इसमें, प्रमोद प्रेमी के साथ भी एक फिल्म कर चुका हूँ भोजपुरिया सुल्तान, उनके साथ भी सेकंड मूवी है और इस वक्त काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं प्रमोद जी भी, ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश सिंगर हैं, ये बहुत प्लस है इस फिल्म के लिए, तो अच्छा लगेगा। भोजपुरी में लगभग जितने नए कलाकार सिंगर जो आए हैं मैक्सिमम की शुरुआत मेरे साथ ही हुई है, तो पवन इनके साथ, प्रमोद जी के साथ ये दूसरी फिल्म है मेरी, इनके साथ पहली फिल्म है, पर होपफुली दोनों की अपनी हमारी आपसी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी फिल्म के अंदर, पर्दे पर भले ही हम भिड़ंत हो लेकिन पर्दे के पीछे हमारा हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी इस फिल्म को लेकर। यूपी के आतंक का कितना मतलब इसमें दिखाया जा रहा है, बता रहे हैं कि इसमें यूपी की पूरी आतंक कहानी है, तो कितना गौर दिया आपने? देखिए आतंक तो नॉट ओनली यूपी, सब जगह है, लेकिन फिल्म में एक बैकड्रॉप लेना पड़ता है और विलेन है तो ऑब्वियसली उसका आतंक होगा, उसी के आतंक पर ही हीरो जब विजय पाता है तो हीरो कहलाता है। वो आतंक रावण जितना बड़ा होगा राम उससे दुगना होना होगा, तभी राम बनेगा वो। तो इन्होंने रावण तो बहुत अच्छे अच्छे सारे इकट्ठा किए हैं और ऑब्वियसली आतंक भी दिखाएंगे वहाँ का जो है उत्तर प्रदेश का, अब किस तरीके से दिखाना बाकी चीज़ें तो फिल्म आने के बाद ही क्लियर होंगी, बट स्क्रिप्ट लेवल पर बहुत अच्छा एक बहुत पावरफुल स्क्रिप्ट तैयार की है इन्होंने और डॉक्टर साहब जो हैं उनके साथ भी एक फिल्म कर चुका हूँ जिसमें दिलीप जी भी थे, तो हम सब लोगों का लगभग टीम हमारी वही है जो पिछली फिल्म में थी, तो उनके साथ एक दूसरी ट्यूनिंग होने जा रही है और स्क्रिप्ट के लेवल पे, म्यूज़िक लेवल पे, सब जगह पे दिलीप जी अपनी तरफ से कोई कसर छोड़ नहीं रहे हैं, जहाँ इनका जितना अवश्य चल रहा है कि चीज़ें खूबसूरत हों और एज अ डायरेक्टर एक अच्छी फिल्म भोजपुरी के ऑडियंस को ये दे सकें। पवन जी क्या कहना चाहेंगे संजय पांडे जी? और ये है कि मतलब फर्स्ट टाइम पे काम करने जा रहा हूँ सर के साथ, इतने बड़े भोजपुरी के विलन हैं और मेरा सौभाग्य है कि मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ। जी दिलीप जी आप क्या कहना चाहेंगे? सर मुझे बहुत खुशी है, मैं जब भी प्रोजेक्ट करूँगा अपने संजय सर बड़े भाई भी हैं, मार्गदर्शक भी हैं, बहुत अच्छे विलन हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। क्या यही लुक रहने वाला है? नहीं, लुक अलग होगा, ये तो फिल्म के उसके लिए इन्होंने 10 साल पुराना लुक डाल दिया है, ये फिल्म देवरा बड़ा सतावेला का लुक है मेरा इस फिल्म के लिए, चूंकि फिल्म का लुक अभी फिल्म के बाद ही रिवील होगा, इसलिए पोस्टर के लिए एक सजेशन में एक रेफरेंस के लिए पिक्स डाल दिए जाते हैं और वो डिज़ाइनर अपने तरीके से, चूँकि डिज़ाइनर्स के पास बहुत सारे फ़ोटो हमारे होते हैं, ये लुक मेरा 2010 का है और बट बहुत फ़र्क नहीं अभी के लुक में, तब के लुक में, दाढ़ी में तब भी रखता था, अभी भी रखता हूँ, लुक इन्होंने डिसाइड किया है, जो फिल्म जब होगी स्टार्ट होगी या उसके बाद जब फिल्म का फर्स्ट लुक आएगा उस वक्त ओरिजिनल इस फिल्म में क्या गेटअप होता है मेरा
वो तब रिवील किया जाएगा। संजय जी बात करें एक और बात जो कि आप एंटी हीरोज एक जो आपकी टीम है उसकी एक पहल है जो आपने शुरू किया है 6 दिन का वर्कशॉप नए कलाकारों के लिए जो कि एक ये बहुत अच्छा प्रयास है, एक सार्थक पहल कह सकते हैं। तो ये कैसे आपने सोचा कि इस तरह का भी वर्कशॉप करना चाहिए नए कलाकारों को और ये एंटी हीरो टीम के माध्यम से होना चाहिए? एंटी हीरो चूँकि हमारा ग्रुप है उसमें करीब 52 मेंबर्स हैं उसके और 52 एक बहुत बड़ी मैन पावर होती है और ख़ासकर सब एक्टर्स हैं भोजपुरी से रिलेटेड हैं और इस तरीके से मैंने देखा था कि न्यू कमर्स जो आ रहे हैं भोजपुरी में प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है उनकी, मुझे लगता है एज एन एक्टर तो नहीं हो पाती है, करते करते सीखते हैं। मेरा ऐसा मानना है मैं सीख कर इंडस्ट्री में आया था, हमारे ऊपर कोई इतना दाव नहीं लगाएगा। ये मुझे समझ में आ गया था कि हमको 10 फिल्में सीखने के लिए मिलेंगी, हम किसी बड़े स्टार सन नहीं हैं, हम किसी प्रोड्यूसर के बेटे नहीं हैं, हमको 1-2 मौका मिलता है। और मैं देखता था कि काम तो सब करना चाह रहे हैं लेकिन काम आता बहुत कम लोगों को है, ये सच्चाई थी। तो मुझे लगा कि ऐसे बोलने से अच्छा एक वर्कशॉप लगाई जाए, उनको बुलाया जाए। आप जब पहाड़ के नीचे ऊँट आता है तब उसको पता चलता है कि उसकी ऊँचाई कितनी है। ऐसे तो हर आदमी खुद को बाहुबली ही समझता है। ये कोशिश थी और ये कोशिश अभी बहुत हद तक सफल हो रही है। हमारे टीम में ग्रुप में 20 स्टूडेंट्स आए हैं जिसमें से करीब 8 स्टूडेंट जो हैं वो यूपी बिहार से आए हैं और अपने खर्चे से रह रहे हैं मुंबई में और 6 दिन का कोर्स कर रहे हैं। हम जानते हैं कि 6 दिन में हम किसी को एक्टर नहीं बना सकते लेकिन एक प्रोसेस से गुजार सकते हैं, उस गली से गुजार सकते हैं जिस गली का नाम अभिनय है। सिखाना तो बहुत दूर की बात है पर कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्कशॉप हमारी यूपी या बिहार में होगी और बॉम्बे में भी होगी तो वो 15 डेज की होगी। आज से हमारी रिहर्सल शुरू हो गई, नाटक भी कर रहे हैं अंधेर नगरी जिसको प्रकाश जैस डायरेक्ट कर रहे हैं। कोई इस दिशा में काम कर नहीं रहा था, अलग अलग जगहों पर स्कूल खुले हुए हैं, उनको जिनको पूरी जानकारी भी नहीं है वो भी एक्टिंग के टीचर बने बैठे हैं। वो चीज़ें थी जो मिसगाइड हो रहे था, युवा हमारा यूपी बिहार का बहुत मिसगाइड हो रहा था। उनको लेकर हमारे पास सारे ट्रेंड टीचर हैं जिन्होंने 15-15 साल एक्टिंग को दिया है, वो टीचिंग कर रहे हैं। हम किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं बुला रहे हैं जो खुद एक्टिंग के बारे में नहीं जानता। तो एक कोशिश है, देखिए कैसा होता है। आपको कितनी परेशानी होती है नए स्टार के साथ काम करने? हाँ, परेशानी होती है, परेशानी होती है क्योंकि एक जो मैंने कहा कि यहाँ ट्रेनिंग का पीरियड 2 महीने होता है, हिंदी में ट्रेनिंग का पीरियड 2 साल होता है। एक न्यू कमर जब लॉन्च होता है तो उसको 2 साल ट्रेंड किया जाता है, भोजपुरी में 2 महीने की ट्रेनिंग होती है। उस 2 महीने की ट्रेनिंग में जो होता है सबसे ज़्यादा खतरा एक्शन में होता है, हम कई बार घायल भी होते हैं नए लड़कों से। और अभिनय तो खैर हम नहीं कह सकते कि कोई भी नया एक्टर जो 2 साल की भी ट्रेनिंग लेकर आएगा वो एक फिल्म में मैच्योर नहीं होता, काम करते करते भी एक मैच्योरिटी आती है। ये लॉन्च हो रहे हैं, ये जब फिल्म दर फिल्म करेंगे जितनी इनकी कैमरे से दोस्ती होगी उतने ये मैच्योर होंगे। हाँ, फिल्म में शुरुआत में थोड़ी दिक्कत हमें जाती है, वो हम मैनेज कर लेते हैं। हमें पता होता है मेंटली कि ये न्यू कमर है लड़का तो उसके हिसाब से थोड़ा सा हमको एडजस्ट करना पड़ता है। मैं तो खासकर सबके साथ एडजस्ट करता हूँ, सारे नए आए थे मेरे साथ पहली बार जो आज काफ़ी काम कर रहे हैं।